हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ कि हम कैसे यहाँ पे डिस्प्ले नोटिफिकेशन डिटेल्स ऑन लॉक स्क्रीन को डिसेबल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आपको क्या लेना है, आपका हमें जाना है मोबाइल सेटिंग में। तो गाइज मोबाइल सेटिंग में चलते हैं। गाइज वीडियो स्टार्ट कर लेने से पहले लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो गाइज आपको यहाँ पे मोबाइल सेटिंग आइकन में जाना। तो गाइज जैसे कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको मोबाइल सेटिंग आइकन मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पे हम मोबाइल सेटिंग आइकन को ओपन कर लेंगे। तो गाइज जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको मोबाइल सेटिंग आइकन को मैंने ओपन कर लिया। ओपन कर लेने के बाद आपको गाइज क्या लेना, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको गाइज काफ़ी सारे फंक्शन दिखाई दे रहे होंगे। गाइज इसमें आपको क्या लेना है, यहाँ पे आपको चले जाना गाइज। गाइज यहाँ पे आपको चलना है स्टडी बार एंड नोटिफिकेशन पे। तो गाइज यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन कर लेने के बाद आपको गाइज क्या लेना, मार्केट नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपको गाइज क्या लेना, जैसे गाइज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको जाना है गाइज ब्राउजर पे। तो गाइज यहाँ पे मैंने ब्राउजर को ओपन कर लिया। फिर आपको डिस्प्ले नोटिफिकेशन डिटेल्स ऑन लॉक स्क्रीन मिलता है, इसको हम क्या लेंगे, इसको डिसेबल। तो गाइज यहाँ पे मैंने इसको डिसेबल कर लिया और यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त हो जाती है। और अगली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।